नाराज है मुझसे, बहुत। बात भी नहीं करेगा। काश मैं ऐसा कर सकता, but you know that's one thing I can't do. तुझसे बात करना बंद नहीं कर सकता हूं मैं। अपने छोटे भाई को माफ भी नहीं करेगा? माफ गलती के लिए करते हैं। तूने हमारा दिल दुखाया है। I didn't mean to, Shivai. मैं फंस गया था। I was in a mess. तो भाई किसके लिए होता है? मैं बताता हूँ भैया, बड़े भाई डांटने के लिए और छोटे भाई डांट खाने के लिए। मैं सीरियस हूँ रुद्र। यही तो प्रॉब्लम है भैया, आप तो थे द ग्रेट वॉल ऑफ SSO, वो भी बरेली जाके SSO पार्ट 2 हो गया। आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स में इतना बिजी हो गए कि आपको अपना छोटा भाई दिखना बंद हो गया। पर मुझे सब दिखता था, छोटा होना शायद इसलिए। पर आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो, अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे छोटा भाई समझ के साइडलाइन नहीं करोगे। आई एम सीरियस यार, वन फॉर ऑल। All for one. लफ्जों का ये रिश्ता नहीं, लम्हों का ये रिश्ता नहीं, सदियों का ये है वास्ता, है रूह का राब्ता। ओह, एक बात पूछूं? पूछ। आपका वो BFF चुलबुल का है? अरे हाँ, OS चुलबुल। वो एक्चुअली वो गौरी चुलबुल है। अच्छा है? What? Oh my माता। तभी तो मैं सोचूं, इतनी केमिस्ट्री कैसे है? आपको पता है? पूरा दिन लुक एक्सचेंज, लुक एक्सचेंज, लुक एक्सचेंज। जैसे ही टच करे तो करंट, स्टैटिक, करते रहते थे हर वक्त। और वो डेली सोप के हीरोइन रोल करते ना वो? क्या? क्या? करके बताता हूँ ना। भैया जाओ। क्या? जवाय। ऐसे, ऐसे। सॉरी, सॉरी। पर शिवाय भी, और मुझे लगा था कि ओ की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, वो मादा लाडला बिगड़ गया। हाँ हाँ, वी वर स्केयर्ड। शट अप रुद्र। पर जाय जी, ओम की ने चंगी लड़की ढूंढी है, हैं? जीती रे पुत्र, मुझे ना तेरा और ओम का ब्याह ना देख सकने का बहुत ज्यादा अफसोस भी है और गुस्सा भी। गुस्सा तो चला जाता है पर अफसोस पूरी जिंदगी साथ रहता है। दादी, आप अफसोस के साथ लिव इन में जाने की बात क्यों कर रहे हो? भैया कुछ करो ना। दादी, आपने शादी नहीं देखी तो क्या हुआ, रस्में देखेंगे। इनफैक्ट सारे फंक्शंस हम करेंगे। गौरी अब इस घर की बहू है और उसका स्वागत वैसे ही होगा जैसे इस घर की बहू का स्वागत होना चाहिए। शिवाय, सबकी जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब क्या जरूरत नहीं है? हर लड़की के अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, आई एम श्योर गौरी के भी होंगे, और उन्हें पूरा करना हमारा फर्ज है। इनफैक्ट हमारा क्या, सबसे ज्यादा तेरा फर्ज बनता है। करेक्ट? रियली शिवाय, ये तू कह रहे? ऐसे तो अनिका के भी अपनी शादी को लेके बहुत से अरमान रहे होंगे जो तेरे कारण पूरे नहीं हो सके, है ना अनिका? तूने भी तो अपनी शादी को लेके कुछ ख्वाब देखे होंगे ना? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर, हर बात में पति की तरफदारी करनी जरूरी नहीं होती। दादी, पर हमारी शादी हो चुकी है। ऐसे तो ओमकारा की भी शादी हो चुकी है। गौरी और अनिका दोनों इस घर की बहुएं हैं,
अगर एक के सारे फंक्शन होंगे तो दूसरी के भी सारे फंक्शन किए जाएंगे। ओ मैं माता मम्मी जी, सब ड्रामे की जरूरत क्या है? अब, मेरा मतलब है, चलो मान लिया ओमकारा की शादी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अनिका और शिवाय की शादी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है ना। बात दुनिया की नहीं, मेरी बहू की खुशी की है, इसलिए अब दोनों बहुओं का स्वागत होगा, सारे फंक्शन होंगे और दोनों के होंगे। आप सब तैयार हो जाइए क्योंकि रिंग सेरेमनी आज ही। चलो अब सब लोग फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। गौरी, तुम्हारे घर वालों का नंबर भी देना, उन्हें भी फंक्शन में इनवाइट करना है ना। वो बड़े भैया, हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है और माँ, उनका इलाज चल रहा है बरेली के सरकारी अस्पताल में। तो क्या हुआ, हम तो हैं ना गौरी, आज से तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। भाभी आप मेरे रूम में चल के तैयार हो जाइए। भाभी आप भी चलिए। ओब्रॉय के फंक्शन इनके जितने ही बड़े होंगे। हाँ, अगर मौका इतना बड़ा है तो उसका फायदा भी तो बड़ा ही उठाना चाहिए। अनिका साहिल कहाँ है? मैंने उसे स्टोर रूम के पास वाले गेस्ट रूम में रखा है। किसी को पता ना चले कि साहिल कहाँ है, स्पेशली नयनतारा को। डब्बा शायद आप लोगों ने सुना नहीं कि दादी ने क्या बोला था। क्या बोला था, मैं रिपीट कर देता हूँ। दादी ने बोला था कि सब जाओ और तैयार हो जाओ। करेक्ट है? हाँ। सब में आप लोग जाते? हाँ, तो जाओ ना तुम। जाओ। मैं क्यों जाऊँ? अच्छा, रोमांच चल रहा था यहाँ पे भैया, रोमांच। रुको, क्या ये सब क्यों आई हो फिर से? वो हम नहीं आए, हम तो जा रहे थे, बड़े भैया हमें ले आए। अच्छा, रुको। हैं? रोमांच हो रहा है? Will you shut up? Okay. चलो मेरे साथ। Come. दोनों भाई पराया धन हो गए, पति बन के बिचारे। भाई मेरा सही, कोई टेंशन नहीं है, सिंगल हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। ओए सिंगल के बच्चे, तू कब से सिंगल हो गया? बीवी ऑस्ट्रेलिया क्या गई, अपने आप को आजाद पंछी समझने लगा है? दादी आपको भी पता है, वो शादी होश में नहीं हुई, नशे में थे हम लोग। सौम्या भी शादी को नहीं मानती, मैं भी शादी को नहीं मानता, हम दोनों दोस्त हैं, उसी में खुश हैं दादी। ओए रुको, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं? दादी प्यार, कम ऑन, मैं ये सब जमीने में नहीं पढ़ना चाहता। पता इश्क ना रब होता है और बंदे का रब पे जोर नहीं चलता, तो चाहे कितना भी जोर लगा, जब इश्कबाजी शुरू हुई ना तो रोक नहीं पाएगा। दादी ये सब कुछ इलॉजिकल, दिल की दुनिया में लॉजिक नहीं, मैजिक चलता है, लव का मैजिक। रुद्र को इश्क हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा पुत्र, जरूर होगा, तुम्हें जब तुम्हारे टक्कर की मिल जाएगी ना तो तू भी इश्कबाज बन जाएगा। इश्क जादू है, नशा तो उतर जाता है, जादू सर चढ़ के बोलता है। नो वे, ऐसा हो गई क्योंकि ऐसी कोई लड़की बनी नहीं है तो रुद्र के दिल की घंटी बजा। ऐसी कोई लड़की है ही नहीं जो रुद्र सिंह ओबेरॉय को इश्कबाज बना दे।
बनी तो है, बस तुम्हें मिली नहीं। और मिलेगी भी नहीं, कम से कम इस मंथ एंड तक तो बिल्कुल नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कल मैं अपने दोस्त की शादी में मेरठ जा रहा हूँ, और मेरठ में ऐसी लड़की मिलने से नहीं। और अगर मिल गई तो?